स्टूडेंट देयर आई एस कोचिंग, हम लोग आज करंट अफेयर्स के मुद्दे की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, पीसीएस देने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जनरल यूपीएससी देने के लिए भी ये टॉपिक कहा जा सकता है, परंतु यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है कि वह जो लखनऊ और उसके आसपास के 6 जिले हैं, उन 6 जिलों को मिलाकर यानी टोटल 7 जिलों को मिलाकर एक नए स्टेट कैपिटल रीजन SCR का गठन करेगी और इस SCR में टोटल 7 जिले। इस SCR का जो गठन किया जा रहा है, इस SCR में हम लोग बिल्कुल जैसे दिल्ली NCR है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी की तरह से स्टेट कैपिटल रीजन यूपी का बनेगा। तो जैसे आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी होगा और आपको याद भी होगा कि NCR क्या है और NCR के बारे में बाकी सारी चीजें वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। सिंपली मोटे तौर पर आप जानते रहिए कि जो SCR जो NCR है उसमें टोटल 24 सिटीज हैं और 3 स्टेट्स के 24 सिटीज हैं अलॉन्ग विद दिल्ली, है ना, और इसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान, इन 3 राज्यों के कुल 24 जिलों को मिलाकर के आपका NCR बनता है। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, वह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा। इसके अंतर्गत एक 7 जो जिले हैं उनको लेकर के एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास किया जाएगा और इस राज्य राजधानी क्षेत्र में जो टोटल 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आएगा, इसमें आएगा टोटल 28,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को इसको कवर करेंगे 7 जिले में शामिल। के बाद जो है इन 7 जिलों के बारे में जान लीजिए। इन 7 जिलों का नाम है आपका, सबसे पहले सीतापुर हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा, कानपुर नगर और कानपुर देहात हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा और लखनऊ, यानी कि लखनऊ के जो चारों तरफ जिले हैं उन 7 जिलों को 6 जिलों को मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। ये जो स्टेट कैपिटल रीजन का गठन करने की घोषणा की गई है, इस घोषणा के अंतर्गत 2 कमेटी पहले बनाई जाएंगी। इन 2 कमेटीज में से एक जो कमेटी होगी वह कमेटी चीफ सेक्रेटरी के अंडर में बनेगी। इसमें कई सारे जो प्रमुख सचिव होंगे और संबंधित विभागों के जो ACS होंगे उन सबको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी कमेटी होगी उसमें उन संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल होंगे, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, एक कार्यकारी समिति होगी और इस कमेटी में प्रमुख सचिव आवास जो होंगे वो उसके हेड होंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के, कानपुर के, अयोध्या के मंडलायुक्त समेत इन जिलों के DM और VC भी, VC मतलब जो वहां की अर्बन यूनिट्स हैं उनके हेड, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। इस तरीके से ये 2 कमेटीज बनाई जाएंगी इस पर्पस को सॉल्व करने के। अब ये डिसीजन लेना क्यों पड़ा, ये फायदे क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने एक डिसीजन लिया है जिसको हम एक बड़ा डिसीजन मान रहे हैं तो उसके कुछ फायदे भी होंगे, कुछ महत्वपूर्ण फायदे। तो अगर हम फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा जो होगा वो है कि जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है तो बहुत ज्यादा आरोप लगता रहता है, यानी अनियोजित विकास जो हुआ है पर रोक लगेगी और अनप्लान डेवलपमेंट रुकेगा। आप जहां देखते हैं कॉलोनीज बन जाती हैं, जहां देखते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग रहने लग गए हैं, मार्केट कैसे भी बन जा रहा है, तो ये जो अनप्लान डेवलपमेंट पर रोक लगेगी, सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा। दूसरा, तो लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ता है, लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना पर बोझ बढ़ता है, पॉपुलेशन का वो कम होगा और ये आसपास की सिटीज में डाइवर्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
ठीक है, तो लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉपुलेशन का बर्डन कम हो जाएगा जब हम आसपास के 6 जिलों को लखनऊ से कनेक्ट करके डेवलप करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो अपग्रेड होंगी, बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी इंटर सिटीज में, मतलब इन सिटीज के बीच में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफी बेहतर हो जाएगी। और आपने देखा होगा लखनऊ में मेट्रो चलती है, तो मेट्रो परियोजना जो है उसको एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी, मेट्रो का एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो रियल स्टेट के स्कीम्स हैं, जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो लखनऊ में ज्यादा आएंगे, सड़क पुल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं इन सब में ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए प्लान्स आएंगे आपके इंटरकनेक्टिविटी होने से, और कनेक्टिविटी करने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इसके साथ साथ क्या है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो लॉजिस्टिक हब बनेगा, ठीक है, जैसे कपड़ा है, चमड़ा है ना, इस तरीके के उद्योगों का एक क्लस्टर बनाया जा सकेगा, और इसके लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा सकेगा जिसका डेवलपमेंट आसान होगा, और इन इन सब चीजों के जो जो इस्टैब्लिशमेंट है, इन सब चीजों का जो इस्टैब्लिशमेंट है उससे नए रोजगार सृजित होंगे, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, नए इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, जैसे आप सुनते होंगे कानपुर में चमड़ा व्यवसाय बहुत फेमस है, ठीक है, कपड़ा व्यवसाय है, तो इस तरीके के व्यवसायों के लिए, इस तरीके के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा सकेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज हैं इन आसपास के जिलों में, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, इन सबको भी अपग्रेडेशन मिलेगा, और यहाँ के लोगों के लिए भी बेटर लाइफ कंडीशंस क्रिएट होंगी, और ये लोग फिर वहीं रह करके लखनऊ में अपनी जो सेवाएं और लखनऊ के आसपास है वो दे सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके कई सारे बेनिफिट्स होंगे जो फ्यूचर में होंगे। एक्चुअली अगर आप इनके बेनिफिट्स को बेहतर आसानी से समझ गए हैं तो आप एक बात को कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में रखिएगा कि एनसीआर का डेवलपमेंट जिन रीजन से हुआ, जिन रीजंस की वजह से एनसीआर हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ डेवलपमेंट करना, मोर और लेस वैसे ही रीजंस स्टेट कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट से भी सामने दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके याद करने के लिए ये चीज आसान हो जाए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जो मैं आपको एड ऑन इसी के समय बता दे रहा हूँ, अयोध्या को एज अ सोलर सिटी डेवलप करने का भी प्रपोजल पास हुआ है। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है स्टेट कैपिटल रीजन कौन कौन से जिले आएंगे, एरिया कितना होगा और इसके फायदे क्या होंगे, तो इस तरीके से आप इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे। और मुझे लगता है अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से मैं आपको सारा मटीरियल देने की कोशिश करता हूँ, कोचिंग की तरफ से आपको टेस्ट और एनसीईआरटीज वगैरह दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया अपने कमेंट्स करें और बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे आपकी समालोचनाओं का भी, सराहनाओं का भी और आलोचनाओं। तो थैंक यू सो मच।